दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग में। दोस्तों सुबह की गुड मॉर्निंग, आप लोगों की मॉर्निंग अच्छी हो। आज है संडे तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे संडे का रूटीन क्या है, सुबह का क्या कैसे है। तो बस सुबह हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, सारा काम चाय बनाने के बाद मैं अपना काम करने चली गई। नहाया धोया पूजा में लगा समय 8 बज रहे होंगे या 8:30 जो भी टाइम होगा, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। और आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। प्लीज फैमिली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए आते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग हमारी भी हेल्प करिए, जो है हम भी मेहनत करते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और हमारे कुछ दोस्त हैं ऐसा नहीं हेल्प करते हैं, लेकिन जब तक आम जनता मतलब पब्लिक हेल्प नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होता है। इसके लिए तो सुबह का टाइम है दोस्तों हमारा, जो है मतलब नहाने धोने का पूजा पाठ सारा काम हो गया। मैं हूँ अपने किचन में, यहाँ पर देखिए मैंने भिगोया हुआ उड़द की दाल जो कि हमारी अम्मा ने दिया हुआ था, प्यारी प्यारी मेरी मैया ने दर फोर के हमारे यहाँ जेठऊ उड़द जो है वो बोया गया था तो हो गया था, तो हम सब पहनों को हमारे दिया था उड़द जो है, उसको धो लेते हैं। आज अम्मा की फरमाइश पर बनाएंगी गोईठा, मैंने बोला कि जो है बना दो एक बार इडली बनाए थे, अभी आटा भी हमने पीस के दिया हुआ है चावल का, अभी तो हम यहाँ पर पिसवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर घंटी है घर पे तो हमने बोला दे देते हैं थोड़ा सा पीस के 2-4 किलो लेते जाओ, नहीं तो हम तो यहाँ पिसवाते हैं मशीन से जो बाहर है। लेकिन उसमें यार ना क्या करते हैं गेहूँ का आटा मिक्स हो जाता है और उससे चीज़ जो है परफेक्ट बन नहीं पाती है, जो हमारी मतलब जो चीज़ हमको पसंद आती है वैसा मैं बना नहीं पाती फिर, अगर गेहूँ का आटा चावल का आटा मिक्स हो जाता है नहीं बन पाता बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर दाल को धो के रख दिया है, ये सब्जी आलू पटर का आलू कम है पटर ज्यादा है क्योंकि पटर सड़ जाता है हमारे यहाँ। और वहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला सिर पे रखे हैं, अभी लहसुन वगैरह छीलना है पीसना है और चावल भी रखे हैं बीन के, तो चावल सब्जी और ये जो है चावल के आटे का गोईठा बनाएंगे, पिताजी के लिए रोटी बनाएंगे। नहीं जितने लोग हैं जिनकी जो फरमाइश है संडे है और बच्चे से भी फ्री है तो सारा काम दिन भर करते रहेंगे। अब हम आटा लगा लेते हैं और आटा लगाने के बाद दाल पीसेंगे मसाला पीसेंगे सब कुछ तैयार कर लेंगे सारी चीजें जो है, तब मिलेंगे आप लोग। देखिए जो है आटा अगर आप पूरन पूरी का बनाते हैं या कचौड़ी का बनाते हैं ना और या गोईठा बनाते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा अगर आप नमक ऐड कर देते हैं तो स्वाद इसका जो है टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा रहता है थोड़ा सा। और अभी हमारे यहाँ जो गोईठा बनाने का आता है एक खांचा आता है ना वो नहीं है, तो हम जो है इसमें बनाते हैं जो हमारा सब्जी छाने वाला कटोरा है इसमें बनाएंगे। इसको अब बना के आप लोगों को दिखाएंगे, जब तक आटा लगा के रख देंगे। आटा अगर कुछ देर पहले आप जो है लगा के रख देते हो ना इसकी आंतें जो है फूल जाती हैं तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक वो जो है हम अपनी सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक। पूरा पसीना पसीना से हो गए हैं एकदम हाल बेहाल, दौड़ के इधर काम कर लो उधर काम कर लो। यहाँ पर देखिए सब्जी भुने हुए हैं जो कि सब्जी हमारी पक रही है, एकदम गैस का फ्लेम जो है लो कर रहे हुए हैं क्योंकि दूसरा भी काम कर रहा है साथ में। और यहाँ पर चावल पक गया है, वो देखिए आटा लगा के रखे हैं चावल का, और यहाँ पर हमारी सब्जी पक रही है और चावल हो गया है, जिसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए सिलबट्टे पर रखे हैं दाल और इतना थोड़ा सा पीस चुके हैं, ये देखिए इतना पीसे हुए हैं, यहाँ पर अभी बाकी है और थोड़ा सा इसमें जो मसाला हमें ऐड करना है वो मसाला पीस के रखे हैं। तो थोड़ी देर जाते हैं सब्जी चला देते हैं और फिर उसके बाद जो है दाल पीस लेते हैं फिर आते हैं, बस यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यही हो रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है सब्जी बता रहे हैं, एकदम गर्मी लगी हुई है। अभी आटा लगाना है, देखते हैं अगर रोटी बनाना होगा तो बनाएंगे और नहीं तो फिर जो है इसी से काम चलाएंगे। इसको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पकाना है दूसरे तरीके से जो है, तो थोड़ी सी दाल जो बची है उसको पीस लेते हैं, सब्जी में थोड़ा पानी नमक सब कुछ ऐड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है बने रहिएगा यार, मेहनत का फल यही होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो लाइक शेयर कर दो वीडियो को हमारी वॉच कर लो, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हुआ है। नमस्ते दोस्तों, ये देखिए हम जो है यहाँ पर इसको पूरा पीस के तैयार कर लिए हैं, हींग भी पीसा है इसमें और वहाँ पर मसाले में जीरा है, थोड़ी सी धनिया है, धनिया आपको नहीं डालना है, जीरा का टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा गरम मसाला है, मिर्ची है, लहसुन है 2-3 पुती जो भी पीसे हैं,
और यहाँ पर इसको तैयार किए, सारा सब चीज़ इसमें मिक्स कर देंगे और नमक थोड़ा थोड़ा मिला के आपको बनाना है, नमक एक साथ ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा जो है आटा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले को पूरा अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देना है। और एक मसाले वाला अलग से भी बनता है, इसको कुछ इस तरीके से मिला लें। यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा थोड़ा डाल के हम बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके और इसको हमने इसमें भर दिया है। और भरने के बाद ये वाला दहन यहाँ पर खौल रहा है, इसमें रखेंगे क्योंकि बनाने लगता है समय, दोनों जला नहीं पाएंगे। अब बना लेंगे तो दोनों में बनाएंगे फटाफट से इसी तरीके से। अब उठवाने जा रहे हैं कपड़ा प्रेस करने, इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ रहा है। इसको हम बना लेते हैं और बनाने के बाद जो है कम्प्लीट आप लोगों को दिखाएंगे। इसी तरीके से बनेगा, इसमें नमक मिला लिए हैं और उतना बचा हुआ है फिर नमक मिलाएंगे बाद में, ऐसे ऐसे करके बना बने रहेगा आप लोग हमारे वीडियो, ठीक है। एवरीवन, फाइनली जो है हमारा फरा, मतलब एक जो पतीले में मैंने रखा हुआ था वो बन के रेडी हो गया है। बहुत गर्मी है, सच बता रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है क्या ही बताएं आप लोगों से। तो आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो बन रहा है वो बिकना है, यानी जिससे हम गेहूँ पेरा ये सब चीज़ को साफ करते हैं, झाड़ते हैं, उसमें रखे हुए हैं। थोड़ा वो जो पकेगा नहीं तो इसी में बारी बारी से रख लेंगे, पका लेंगे। और यहाँ का जो है पक चुका है हमारा, तो इसको आप लोगों को दिखाते हैं। दोपहर के खाने में सब्जी, चावल और ये दाल, उड़द दाल का गोईठा बनाया है हमने। ये देखिए पतीला है, हमारे यहाँ बर्तन नहीं है, इसका एक अलग से बर्तन आता है बनाने के लिए। और इसको पकने का मतलब आप ट्राई कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यह है सीख, जो कि हम मतलब जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं वही है पुरठा, लकड़ी, दाल तो अरहर की होती ही नहीं है, तो उसमें फिर क्या करना क्या कैसे है। ये लीजिए देखिए, इसको सीख को इस तरीके से इसमें चुभो देना है, ठीक है। और जब अगर आप सीख निकालते हैं मतलब इसमें से, तो देखिए इसमें जरा भी लगा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पक के रेडी हो गया है, खाने के लिए एकदम तैयार है। और जब इसमें चिपकता है यानी लगा रहता है, इसको सारे में आप ऐसे चुभो के देख सकते हैं। देखिए इधर साइड वाला एक नहीं पका, इसको भी बीच में कर देती हूँ मैं, जो ये साइड में देख रही है किनारे वाला एक इधर नहीं पका हुआ है, क्योंकि बर्तन जो है अलग तरीके से है इसकी वजह से। और प्लेट से हमने ढका हुआ था, थोड़ी देर और रख देते हैं, जो दो एक नहीं पके वो पक जाएंगे। और इसी तरीके से जो है हम फरा दाल का बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यार वीडियो पसंद आ जाती तो लाइक शेयर करने में या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। सच में आप लोगों का प्यार मिल जाता है, भरोसा मिल जाता है कि हाँ मैं भी इस लायक हूँ, मैं भी यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा, कम्प्लीट बन के तैयार हो जाता है तो आपको परफेक्ट दिखाते हैं कि मेरा फरा कितना बढ़िया बन के तैयार है। नमस्ते दोस्तों, फाइनली लगभग दिन के बज रहे हैं 11 और हमारा फरा जो है बन के तैयार हो गया है। तो वही फरा चावल सब्जी बनाए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर फरा है, सब्जी है, चावल है, यही चीज़ बना हुआ है। खाने के लिए निकाले हैं तो खाना सारा बन गया है और फरा बहुत अच्छा बना है, बच्चे खा रहे हैं हमारे। ये देखिए मतलब बहुत ही बढ़िया बना है एकदम, नमक मतलब सब चीज़ हर चीज़ मात्रा में है, अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। लेकिन जो बिकना में मैंने रखा हुआ था, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, उसमें सही से बन नहीं पाया है। तो फरा बनाने के लिए जो है जो बर्तन आता है जालीदार स्टील का रहता है, तो बड़ा आप बड़ा भगोना ले सकते हैं या बड़ा पतीला ले सकते हैं, और ताकि उस पर रख के आप अच्छे से बना सकें। और इस जो ये मतलब मेरा ये जो है ये कटोरा जिसमें पका रहे हैं अभी थोड़ा सा बाकी है पकाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट इसमें लगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि छोटा है ना, सब्जी धोने का है। और कभी कभी बनाते हैं, उड़द वगैरह जो है होते नहीं हमारे यहाँ, तो बस कभी कभार बना लेते हैं। आशा करते हैं कि हमारा आज का ब्लॉग संडे स्पेशल जो भी मैंने बनाया, जो भी दिखाया आप लोगों को, सब कुछ पसंद आएगा। वीडियो हमारी पसंद आ जाती है फैमिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना। इस टाइम मुझे जो चीज़ बहुत बुरी लग रही है अपने फेस पर, वो मेरा थ्रेडिंग है, जो कि मैं कभी बनवाती नहीं थी, लेकिन जब मम्मी के कहने पर मैंने दो बार बनवा लिया है तो अब थोड़ा बढ़ गई है, जो कि अच्छी नहीं लग रही है, मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही है। जब जाएंगे बाजार वगैरह तो करेंगे। फिलहाल के लिए आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगी, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।